मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अभी बोली, आज फर्स्ट टाइम आप मुझे लगाते हुए देख रहे हो, क्योंकि लिप्स मेरे है ना थोड़े से ड्राई हो गए हैं बहुत ज़्यादा. और अभी मेरा वाकई गुड मॉर्निंग हुआ है, 10 o'clock मेरा गुड मॉर्निंग हुआ है. और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही है ना, बहुत ज़्यादा. और आज मैं रोज़ वाटर भी स्प्रे कर रही हूँ सुबह सुबह, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे करने की इच्छा हो रही है, थोड़ा अच्छा फील करना चाह रही हूँ फेस को लेकर. जब अच्छा फील करना चाहते हैं तो कुछ अच्छा करना भी पड़ता है. तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन. और अभी 10 बज रहे हैं सुबह के. 10 बजे इसलिए उठी हूँ क्योंकि रात में तकरीबन 4 बजे सोने गई हूँ, और 4 बजे तक वीडियो बनाना, एडिट करना और ये सब चल रहा था. उसके बाद सोने गई हूँ और 6 घंटे की नींद हो गई है. अब जा रही हूँ किचन की गली गुड मॉर्निंग वाला पानी वगैरह पीने. गोल्डी एग्ज़ाम दे रही है, मतलब ऑनलाइन OTP का वेट कर रही है. OTP उसे नहीं मिल रहा है अभी तक. 1 hour के बाद OTP अभी मिला है. 1 hour के बाद अब भी OTP मिला है क्योंकि सारे लोग किस पे हैं, उनका एक ग्रुप बना है टेलीग्राम पे. टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना है. क्या नहीं है हमारे इंडिया में आप लोग ढूंढो तो. चाइनीज माल के पीछे पागल हुए रहते. टिकटॉक बंद हो गया तो यहाँ पे इंडिया में भी बहुत सारे ऐप हैं. तो चलिए पहले पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है. गोल्डी बेसर्म के जैसा एग्ज़ाम देने, जब एग्ज़ाम देते रहती है ना तो इसके नखरे बड़े बढ़ जाते हैं. एक तो हिलती डुलती नहीं है, देखो अभी हिल नहीं रही, वहाँ से बस फेस एक्सप्रेशन निकला. मेरे लिए भी बना दोनों, मतलब तो मम्मा पानी बना के दो. चलिए ग्लास खोलती हूँ ड्राइंग रूम का, उसके बाद पानी बनाने चलते हैं. जो सिपेज, ये कलर कितना, ये लग रहा है लिपस्टिक लगा ली हूँ लिप बाम. यही तो मैं हमेशा यूज करती. बेबी लिप्स मेबलिन का है क्या? मेबलिन का बेबी लिप्स लग रहा है, जैसे लिपस्टिक लगा लिया. कल रेनू चोपड़ा जी पूछ रही थी कि आप कौन सा आईलाइनर, सॉरी आईब्रो पेंसिल यूज करती हैं. तो मैं मिनीशो का आईब्रो पेंसिल यूज करती हूँ, 3-in-1. जो यहाँ से भी आपको, अगर आपको हाँ एंगल वगैरह देता है और फील भी करता है. और फिर ये पाउडर फॉर्म में है यहाँ पे, और जो है बहुत इजी है लगाना. बस ऐसे आप करोगे और आपके आईब्रो, देखो आप मेरे फील हो रहा है और आईब्रो आपके फील हो गए. ये देखिए ये पाउडर फॉर्म है. उसके बाद ये जो देता है आपके ब्राउज को शेप देता है, मिक्स करता है. मिक्स करना बोलो, शेप देना बोलो, जो भी शेप नहीं देता, पाउडर को ब्लेंड करता है. वही ब्लेंड करता है, पाउडर को ब्लेंड करता है. तो ये मैं यूज़ करती हूँ. ये ऑनलाइन नहीं मिलता है, अभी तक नहीं आया इसका ऐप, तो मैं बहुत दुखी हूँ. और मेरा क्योंकि दूसरा जो लेटेस्ट मैं निकाली थी मैं उसको तोड़ दी, मुझसे टूट गया. या फिर शुगर का करती हूँ, बस शुगर. चलिए पानी पीते. ये सारे यहाँ पर जो आप देख रहे हो सारा सब्जी, टमाटर सब धो के रखी हूँ. टमाटर को अभी फिर से एक बार धो देना है, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है. मुझे लग रहा है अभी टमाटर को और धोना चाहिए, और धो दूँगी. ये किचन में कुछ जाना ही गोरी दिखती हूँ मैं, लेकिन ये गली तो अच्छा है लेकिन वो गली अच्छा नहीं है. लेकिन हाँ वाकई हम औरतों की का ये गली रहता ही रहता. मुझसे देखिए ना उतने अच्छे से साफ ही नहीं होता है क्योंकि प्रेशर नहीं देती हूँ ना. गोल्डी के लिए भी पानी बनाना है इसलिए बड़ा वाला डोंगा लेना पड़ेगा. ये ले लेती मैं, मेरा और गुड्डू का इसमें काम चल जाता है. 3 glass लेना.
सुबह का एक काम संभल झालो खत्म हो गया, दूसरा काम बाकी। चाय बन मधु को पानी लेकर के आई हूँ। उतना क्या गिरा हुआ है वॉश मशीन कहते हैं प्याज के नीचे। वो अंशु रात में सेव भुजिया खाए, मैं मेरे साथ वो भी जगा हुआ था। मैं रात में वीडियो बनाती हूँ, अंशु बड़ा खुश होता है, हाँ मम्मा बना लो, मगर कि तुम सोने जाओ ना मम्मा, एक बार जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब मेरे क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो मुझे तो चैन ही नहीं रहेगा ना मैम। मम्मा मुझे अभी करने दो, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो मम्मा। इतने डायलॉग मम्मा क्या क्या सोचा था, बोर्स ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा वो करूँगा ये करूँगा, और क्या कर रहा हूँ मम्मा। हमला पिता भी तो ऐसा हो गया कि कहीं जा भी नहीं सकते, क्या कर सकते, तो वही है। और चंचल जी आपके इनवाइट की हुई आपकी कल दो फ्रेंड आई हैं मेरे चैनल पे, थैंक यू उसके लिए आपको। तो उसमें से शायद एक ने सब्सक्राइब किया है, मैं आज चेक करूँगी किसने सब्सक्राइब किया है किसने सब्सक्राइब नहीं किया है। पर टाइम नहीं मिलता है क्योंकि उसके लिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है किसने सब्सक्राइब किया किसने नहीं सब्सक्राइब किया देखने के लिए, तो जब टाइम मिलेगा तो वो देख करके बताऊंगी, लेकिन दो आई हैं उसके लिए थैंक यू। तो हाँ, मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी आप लोग शेयर करो, ब्लॉगिंग चैनल को शेयर करो हाँ। और अभी नेक्स्ट ट्यूसडे को आप लोगों से एड्रेस मांगूंगी, मैं एड्रेस मांगूंगी, पिन कोड मांगूंगी और ये क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर मांगूंगी, सब दे दीजिएगा। ये जो कौन सा जोन होता है गोल्डी, कंटोनमेंट जोन वाले लोगों का तो पता नहीं बहुत, अभी तो उस जोन में और भी कड़ाई होने वाले हैं और भी स्ट्रिक्ट जोन। कल मैं लगाई हूँ वाटर लिली, रिव्यू करने वाली हूँ, होगा तो सेकंड टाइम लगाई हूँ। गोल्डी के बाल तो गजब हो गया, अभी रिव्यू जब करूँगी तो मैं बताऊँगी कि क्या कमी है उसमें, कुछ कमी भी है उसके बारे में भी बात करूँगी वाटर लिली के बारे में। शैम्पू में तो कोई कमी नहीं है, गोल्डी के तो बाल गजब के हो गए, लेकिन परफेक्ट रिव्यू करूँगी मैं। और वाटर लिली जो हाँ रख दो सब साफ, गुड्डू टेंशन में है, गुरु कह रहे हैं यार तुम लोग बाथरूम को क्या बना रहे हो, क्योंकि वो जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, तो यूज़ करना ही पड़ेगा। वाटर लिली में एक दो कमी मुझे लगा, तो वही सब है। आज दिन में अभी तक सोची नहीं हूँ कि मैं क्या बनाऊँगी, लेकिन करेला है, गुरु को करेला बहुत पसंद है, तो गुरु के लिए मैं करेला का भुजिया बनाने वाली हूँ। लाल साग मंगाई हूँ तो जिसे अमृत रस बोलते हैं शायद, अमरतास कुछ तो लाल साग बोलते हैं, वो मुझे बहुत 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 टेस्टी लगता है राइस के साथ खाने, तो वो सूख जाएगा इसलिए आज ही उसको बना दूँगी। नेनुआ है ऑलरेडी सूखा सूखा सा ही दिख रहा है, तो वो सबको भी बनाना है। तो हरी सब्जी जो भी है 2 से 3 दिन के अंदर मैं बना के खत्म करूँगी। एक कद्दू ली हूँ, मतलब दूधी वो लौकी, मतलब वो लौकी कम लौका ज़्यादा लगता है, तो मोटू सा लौका लौकी है। बचका बनाए में बहुत दिन हो गया, कल बचका बनाऊँ, कल अदरक का सब कुछ मैं कर दी, तब दाल पूरी बना दी, आलू की सब्जी बना दी और खीर बना दी। खीर गुड्डू भर भर के 2 कटोरी खाए, गुड्डू को खीर बहुत टेस्टी लगा, गोल्डी भी खाई अच्छू भी खाया मैम भी खाई, सब गोल्डी ज़्यादा नहीं खाई, गोल्डी थोड़ा खाई, गुड्डू मैं बहुत खाए, अंशु ये भी एक बाउल खाया टेस्टी, हाँ टेस्टी, तो कल वही था वही बनाई। अदरा बोलते हैं उसमें बनाया जाता है, वो तानिया मुझे बताई थी तो मैं बना लिया वही सबसे। आज आप लोगों को एक बार बताऊँ क्या, आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को फिर से पूछूंगी, एक बार पहले भी पूछी थी अभी फिर से पूछूंगी, आप लोगों को मेरे ब्लॉगिंग में क्या चाहिए। अगर आप गप्पा चैलेंज आने वाला है हाँ, एक और चैलेंज मंडे तक आ जाएगा, मंडे तक आ जाएगा,
पता है आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, देखो पहले 100-200 हमारे हमारी 100-200 वाली फैमिली थी, तो 100-200 लोगों में 5-6 जन देखते थे, कभी कभी 4-8-10 जन देखते थे। अभी हो गई है 3300 वाली फैमिली, तो भी देखते कितने हैं, बहुत कम जन देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप ना मुझे बताओ कि आपको मेरे ब्लॉग में क्या देखना पसंद है। ब्लॉग में सबसे ज़्यादा जिस पर मुझे चैलेंजेस पसंद है तो वो कर दो। हाँ, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो आएगा ना वो करूँगी मैं, जैसे कि मेरा बैठ के आप लोगों को गप्पा करना पसंद है तो गप्पा मारूंगी। मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग में काम करती हूँ, वो तो मैं रोज़ काम करती हूँ, रहेगा प्लस गप्पा रहेगा। दूसरा क्या, आपको सिर्फ काम करते हुए छवि को देखना है, ओ माय गॉड वो भी दिखाऊंगी, मतलब भैया वो भी दिखाऊंगी। तीसरा क्या जानने की इच्छा, मतलब क्या आप चाहते हो ब्लॉग में मैं क्या करूँ, ठीक है वो मैं करूँ। वही सब चल रहा है। आज तो अभी लंच का तो सोची ही नहीं हूँ, अभी तो आप लोगों से गप्पा ही मार रही हूँ। गुड्डू से गुड्डू तो अभी लगता है पानी भी नहीं पी है, रख के आ गई हूँ, पानी पिएंगे तभी तो चाय बनाऊंगी। अभी वो चाय पीने के मूड में लगता है नहीं है। मेरी माँ की मौसी है, मतलब मेरी माँ की मौसी, हम लोग अम्मा जी बोलते हैं, वो वॉशरूम में गिर गई, मतलब उतर रही थी, वेस्टर्न है वॉशरूम। अब ओल्ड एज में मोस्टली अब वेस्टर्न ही लगता है, इंडियन भैया नहीं बैठा जाता, तो वेस्टर्न से उतर रही थी, तो ऐसे है उसका वॉशरूम, मतलब ऊपर में वेस्टर्न बना हुआ है और नीचे उतर, ऐसे नीचे उतरना पड़ता है, नीचे ऐसे आपको आना पड़ता है चल के, तो ऊपर से नीचे उतर रही थी कि 70+ है वो। उसका ना फेफड़ा जो है यहाँ का जो होता है ना हड्डी, वो टूट गया। कल मैं देखी उसको, एकदम पतली हो गई, एकदम पतली। मुझे भी बहुत, मुझे बचपन में मैं उसी के पास रहती थी, अम्मा जी के पास ही रहती, वही कल देखी तो तकलीफ थी, बहुत तकलीफ हो गई। कल बहुत बहुत जमाने के बाद मामी सबसे मिली मैं, मेरे हाँ वीडियो कॉल पे मिली मैं मामी सबसे, लेकिन लग रहा था कि सच्ची में मिली हूँ मैं, ऐसा फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपनी छोटी मामी से मिली, अंजू मामू की वाइफ से मिली, यानी बड़ी मामी से, मेरी बड़ी मामी तो कलकत्ता में रहती, छोटी मामी से मिली, और अम्मा जी की दो बहुएँ थी, वो मेरी दोनों मामी हैं, उनको भी मैं बड़ी मामी और छोटी मामी बोलती हूँ, तो बड़ी मामी से भी मिली और छोटी मामी जो है उनसे भी मिली, उन लोगों से मिले हुए जमाना हो गया। जब जाऊँगी तो मिलूँगी। गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून हो गया, पीछे से बहुत ज़्यादा लाइट ऐसे आता है, रिफ्लेक्ट। अभी 1:00 हो गया और आज हमारा नाश्ता नहीं हो पाया, बस आज सेकेंड कप चाय हो गया। आज थोड़ा बैठ गई मैं कंप्यूटर और मोबाइल दोनों को लेकर के, तो आज नाश्ता रह गया। अभी गुड्डू के लिए बोले हैं गुड्डू कि अब तो 1 बज गया, क्या नाश्ता कराओगी, तो चाय ही बना दो। तो अभी मैं चाय ही बना, मैं बोली हूँ गुड्डू को सॉरी बोल दी, क्योंकि नाश्ता नहीं आज करा पाई मैं। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप फैमिली, कंप्यूटर, मोबाइल और यूट्यूब, ये तीनों को कभी कभी आप ना मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आज मेरा न मैनेज करने वाला डे है। गोल्डी अभी भी एग्ज़ाम ही दे रही है। अंशु का गुड मॉर्निंग अभी हुआ है, क्योंकि रात में इनका गुड नाइट हुआ था 4:00, वो भी धक्का धुकी देने के बाद। अभी गुड मॉर्निंग किया है, मेरा 2 पार्सल आया हुआ है, और इससे अमेजोन से 2 पार्सल होगा, तो मास्क पहन के जाओ, लेके आ जाना। ये अभी 3rd time चाय बनाने जा रही हूँ, थोड़ा मंदिर को खोल के आती हूँ। अंशु सोया था तो रूम में, मैं मंदिर को खोलने नहीं गई थी, तो भगवान को थोड़ा पाए लागू करके आती हूँ, फिर आप लोगों के साथ बात कर। अर्किया में गाना था कबूतर जा जा जा, हम लोग गाना गाते हैं कबूतर भाग भाग भाग। हमारी सोसाइटी इतना उब गई है कबूतर से कि वो सब लोग खुद से भी नेट लगा रहे हैं। मैं जब देख रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि भैया अगर ऑप्शन नहीं है कि बुलाए किसी को, तो भैया लटक के झटक के बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कबूतर का नेट लगा रहे हैं, लेकिन लगा रहे, और मैं अप्रिसिएट करती हूँ। मैं ऊपर से देख रही हूँ कि अरे वाह,
मैं थर्ड फ्लोर पे कल पूरे दिन मेहनत करने के बाद उन्होंने आखिरकार कबूतर को भगाने का अपने बालकनी से जो वो जज्बा था ना उनके अंदर कि कबूतर को अपने बालकनी से भगा देना है, उस जज्बे में उन्होंने जीत हासिल की है। तो वाह वाह वाह, और कबूतर उन्होंने कबूतर को भगा दिया है और नेट को लगा दिया। मैं हर 2 मिनट पे जाकर के नीचे लटक के देखती थी विंडो से, हाँ अपडेट्स लेती थी कि भैया सच्ची में कबूतर का नेट अकेले खुद से भी लगाया जा सकता है क्या। लेकिन उन्होंने लगा दिया, मेरे बात को उन्होंने गलत साबित कर दिया और नेट लगा लिया। आह वो एकता दिख रही थी ना कबूतर के नेट को लगाने। चाय बना रही हूँ, पीछे से लाइट का ऐसे आ रहा, गोल्डी आपको दिख रही है पीछे, एग्जाम देते दूर से ये बॉटल उसके फेस पे दिख रहा है ना, लग रहा है ब्लू कलर का मास्क लगा के बैठी हुई है ये बॉटल का यार। ओह माय गॉड, वहां से भी डिजाइन मार रही है, बीच में टोक देती है ना, मैं सब बात भूल जाती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए गुड्डू के लिए। मोस्टली फाइनली सोची हूँ कि करेला का भुजिया बनाऊंगी। मैं बहुत गोरी लग रही हूँ सीरियसली, मेरी रंगत ना बहुत साफ लग रही है। आज एक रिव्यू करने वाली हूँ, मेरे पास इसका क्या बोलते हैं किसका गोल्डी, अरे द बॉडी शॉप नहीं यार, इसे न्यूड वाला का कंपनी का क्या नाम है, वेट एंड ड्राई। ओके, मेरे पास आप सबको पता है वेट एंड ड्राई के प्रोडक्ट जो है मेरे PR के प्रोडक्ट है ना, आप लोगों से तो कुछ छुपाती नहीं हूँ। तो वेट एंड ड्राई के तरफ से आज मुझे मैसेज आया कि उन्होंने कोई शैम्पू जो है वो सेंड करने वाली है, अंशु का होगा शायद। शॉप पे जाएंगे एक सामान के लिए 4 सामान उठा करके लेके आ जाते हैं। मैं बोली क्या कि मेरे दुकान वाला क्या मेरा रिश्तेदारी में है जो फोकट में सामान देता है, लोगों को समझ में नहीं आता बच्चों को, जाएंगे कुछ भी उठा करके लेकर के चले आए। मैं कभी नहीं करती हूँ। तुम नहीं करती हो, अंशु करता है। छोटी को विश्वास नहीं होता है कि मैं अंशु को डांटती हूँ, मतलब इसको तो मैं कचरा के डब्बा से लाई, गोल्डी को मैं बॉर्न नहीं की, गोल्डी को मैं कचरा के डब्बा में से उठा के लाई, हमेशा अंशु के पीछे पड़ी रहती। नाम क्या सेम है मोबाइल पे, अंशु मेरा पोचू। हाँ तो अंशु का नाम है मतलब जिस दिन मैं नाम सेव की ना अंशु का, उस दिन मुझे अंशु पे बहुत प्यार आ रहा था, बहुत ज्यादा प्यार। काश उतना ज्यादा प्यार मेरे लिए, मतलब इतनी दुष्ट लड़की है, मतलब सोचो कि मैं इसको प्यार ही नहीं करती हूँ क्या। आप सोचो, आप बताओ, अभी मैं चाय बना रही हूँ किचन में, आप लोगों से गप्पा करती हूँ। वो क्या है ना, वो चाय का जो पैन है ना, आप लोगों को दिखाने में मुझे बहुत बड़ी वाली शर्म आती है, तो घिस घिस के जब मैं छुरा दूंगी, धुआं आ रहा है, घिस घिस करके मैं वो चाय का वो जब छुड़ा दूंगी ना, फिर आप लोगों के साथ जो है वो बर्तन देगा। वो गोल्डी छुड़ाएगी, गोल्डी बहुत अच्छा साफ करती है, मैं सब बर्तन बहुत प्यार से साफ करती हूँ, लेकिन ये चाय वाला जो पतीला है ना, वो मुझसे साफ नहीं होता। ये पूरा महीने भी खुद से बर्तन वगैरह सब करना है, सोसाइटी अलाउ ही नहीं किया है मेरे को, सोसाइटी को कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि मैं सोसाइटी के में कुछ करती नहीं हूँ, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरा, मतलब सोसाइटी के वो कचरा वाले से लेकर के सब सोसाइटी मेंबर्स सब करते, मैं इस मामले में जो सब थोड़ी घर ही देख लो, बच्चों को देख लो, टाइम नहीं मिलता भैया बाहर का करने के लिए। तो सोसाइटी के जो भी मेंबर वगैरह हैं, तो जो भी उनका डिसीजन होता है तो मान लो तो ठीक है, और अगर बाई को बोल रहे हैं कि बाई सोसाइटी में नहीं आएगी, तो हम सबकी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इरिटेशन होता है, कभी कभी चिल्लाती हूँ मैं। चाय बन चुका, गुड आफ्टर अंशु आ गया, गुड आफ्टर नून वाला चाय पी लीजिए आप सब मेरे साथ। चाय पीने जा रही हूँ गुड्डू के साथ, चाय पी लेती हूँ फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। ये 2 पार्सल आ चुका है अमेजोन से, ये 2 पार्सल आया आप सबके साथ, अभी सैनिटाइज करना है मुझे, हाथ धो लेती हूँ मैं। चाय पी लेते फिर आप लोगों के साथ गप्पा करें।